हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजु राजपूत और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी बेटी का जन्मदिन किस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया है, क्योंकि आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी को बिटिया रानी का जन्मदिन होता है। तो आज हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। किसको हम बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, हम क्या क्या बनाने वाले हैं, आपको पूरा दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी हमारा सुबह का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा हमने कर लिया है। सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और सबसे पहले अभी हम खाना कुछ नहीं बनाएंगे। आज हम मलाई से घी निकालेंगे। हमने लगभग 15 दिनों की ये मलाई इकट्ठी करी थी। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है और बहुत बढ़िया मलाई उसमें निकलती है। हम दूध को पकाकर फ्रिज में लगा देते हैं तो खूब मोटी मोटी सी मलाई निकलती है। तो हमने 15 दिनों की मलाई इकट्ठी की है। तो आज हम सबसे पहले घी निकालेंगे, क्योंकि हमें बहुत उलझन हो रही थी इसको देख देख के कि हम इसको कब निकालेंगे, कब ये बर्तन हम खाली करेंगे। तो आज हमने इसको पूरा पलट लिया है और इसको हम पकाकर इसका घी निकालेंगे। और हम बहुत सारी तैयारियां भी करेंगे, शाम तक हमें आज बहुत सारे काम करने हैं। बिटिया का बर्थडे है और हमारी बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, तो एक दिन ही दोनों दो दो फंक्शन होंगे। बहन को हमने बुलाया है, बहन हमारी आएगी, आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट किस तरह से मैंने किया है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखते रहिए। बहुत बड़ी पार्टी तो हमने नहीं रखी है, लेकिन छोटी सी पार्टी हम देंगे। और बहन को बुलाया है, मम्मी को बुलाया है, भाभी भैया सभी लोग आने वाले। खाना बनाने की तैयारी हमने शुरू कर दी है दोस्तों। तो मिक्स वेज हम पहले बनाएंगे। तो मिक्स वेज के लिए हम आलू, गोभी, गाजर और सेम लेंगे और इसी से हम मिक्स वेज की सब्जी बनाएंगे। तो अभी आलू कट रहे हैं, तो ये हस्बैंड हैं जो कि हमारी बहुत मदद करवा रहे हैं, इन्होंने सारी सब्जी काटी है। गोभी मैंने काटी है, गाजर मैंने काटी है और आलू जितना भी कटा है ये पूरा हस्बैंड ने ही काटा है। तो ये आलू काट रहे हैं और खीर हमारी पक चुकी है, हम आपको खीर भी दिखा देते हैं। तो ये खीर हमने बना ली है। खीर हमने सबसे पहले बना कर रखी है, क्योंकि खीर तो हमारे यहाँ सभी लोग ठंडी ठंडी ही खाते हैं। और ये सब्जी हमारी पक रही है, अभी गैस पे चढ़ी हुई है। ये मटर है, जो कि मटर पनीर हम बनाएंगे, गीली सब्जी बनानी है हमको, तो इसके लिए हमने मटर छील के रख ली है, सारी तैयारी कर ली है। ये हमने अचारी मिर्च भी तैयार कर लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं मिर्च, तो ये सारी तैयारी हो गई है। तो अभी हमारे सारे काम हो चुके हैं, आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि हमने खाने में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। हमारी खीर बन चुकी थी, वो हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। और अब हम ये देखिए, हमारी सब्जी भी पक चुकी है, हमने सब्जी पकाई है, सूखी सब्जी। और अभी देखो, बाहर भट्टी लगा करके पनीर फ्राई की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं, ये हस्बैंड मेरे बहुत हेल्प किए हैं आज। ये देखिए, तो इन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प की है। मेरी बहन आएगी और मैंने अपने नंद को बुलाया है, मम्मी को बुलाया है, भाभी को बुलाया है, तो सभी लोगों का इंतज़ार है, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है मुझे कि वो लोग कितने समय आएंगे। तो अभी तो 5 बज चुके हैं शाम के और अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि 6-7 बजे तक सब लोग आ जाएंगे दोस्तों। और अभी हमने पनीर की सब्जी नहीं बनाई है, तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमने पूरा पेस्ट वगैरह तैयार कर लिया है। और ये हमने टमाटर प्यूरी भी तैयार कर ली है, ये हमने बना के रख ली है। और अब हम पनीर की सब्जी बनाएंगे। आज हमारी बहन की मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो हम दोनों चीज़ें बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। हम यही सोच रहे हैं कि कुछ कमी ना रह जाए। वैसे हमने बहुत बड़ी पार्टी नहीं रखी है, हम छोटी सी ही पार्टी रख रहे हैं अपने घर पे। तो सब खाना हमारा तैयार हो चुका है, पूरी निकालनी रह गई है, लेकिन हम उससे पहले सोच रहे हैं कि केक कटवा दें, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि पूड़ियाँ ठंडी कोई खाता नहीं है। तो ये डेकोरेशन हो रहा है बर्थडे का, तो ये हस्बैंड लगे हुए हैं और बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं, भैया भाभी भी आ चुके हैं, तो भैया भी डेकोरेट करवा रहे हैं साथ में, और भी जो बच्चे थे घर के वो सारे लगे हुए हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर डेकोरेट किया है। बिटिया रानी अभी तैयार हो रही हैं, जिनका बर्थडे था, अभी आप लोग उनसे नहीं मिले हैं, अभी हम आपको उनसे भी मिलवा देंगे। तो थोड़े बहुत गेस्ट भी हमारे आ चुके हैं। ये हमारी चाची लोग आई हैं, जो कि बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। मम्मी आई हुई हैं, मम्मी से ये सब लोग बातचीत कर रही हैं। अभी अभी ये सभी लोग आए हैं, तो नाश्ता इन लोगों ने कर लिया है, बस केक कटने का ही वेट हो रहा है। जैसे ही केक कट जाएगा, वैसे ही अभी हमको बहन की एनिवर्सरी का भी सेलिब्रेशन करना है। तो पहले बर्थडे का केक कट होगा, उसके बाद एनिवर्सरी का केक कट करवाएंगे।
तो ये बहन के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि बहन को मैंने नहीं बताया था। संजय, बहन, भाभी, संजय, बिटिया, ये सभी लोग ऊपर कमरे में बैठे हुए हैं और बिटिया भी तैयार हो रही हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये बहन हमारी आई है, ये बिटिया है जो कि तैयारी में लगी हुई है, और ये बच्चे हैं जो कि कॉफ़ी वगैरह सर्व कर रहे हैं, और ये सारे लोग बैठे हुए हैं, जो भी भैया लोग आए हुए हैं, जो भी हमारे मेहमान आए हुए हैं जिनको मैंने बुलाया था, तो सब लोग आ चुके हैं। अब कोई आना बाकी नहीं रह गया है, सभी लोग आ चुके हैं और सबका नाश्ता चल रहा है। नाश्ते में हमने पनीर की पकौड़ी रखवाई थी और कॉफ़ी चलवाई है, तो ये सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। नमकीन था, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, जो जिसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। देखिए, सुबह से आज हम काम ही काम काम ही काम किए जा रहे हैं और अभी तक हमको फुर्सत नहीं मिली है। 9:30 बज गए हैं लेकिन अभी तक हम फ्री नहीं हुए हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ कितने सारे मेहमान आए हैं। बहुत छोटी सी पार्टी हमने रखी थी और ये छोटी सी पार्टी अभी हम 12 बजे रात तक इंजॉय करेंगे और आपको हम पूरा दिखाएंगे। बस आप लोग हमें छोड़ के मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो अभी हमारी पूड़ियाँ बन रही है, खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बच्चों को भूख लग रही थी, तो बच्चों के लिए मैंने पूड़ी बना दी है, और अब हम केक कट करा देते हैं, क्योंकि सब लोगों को जल्दी हो रही है कि जल्दी से केक कटे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और सबको भूख लग रही है। तो जल्दी जल्दी से ही हमने केक कटवा दिया है और केक भी कटने जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, भाभी भी आ गई हैं, बहनें भी आ गई हैं, हमारी सब लोग आ गई हैं। और आजकल तो आप जानते ही हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो सबसे पहले फ़ोटो चलती हैं, तो यहाँ पर लगभग 30 मिनट तो फ़ोटो खींचने खिंचाने में लग जाता है। तो टाइम हो गया है और सबकी फ़ोटो शूट की जा रही हैं, सब लोग अपने अपने मोबाइल में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो फ़ोटो खींचने के बाद ही केक कटेगा। बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है और अब हम एनिवर्सरी का केक भी कटवा देते हैं, क्योंकि बहन को मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि उसको केक भी काटना है। ये तो अचानक से मैंने उसको केक दिया, तो उसके लिए ये बहुत ही सरप्राइज था। तो बहन और बहनोई का टीका भी मैंने किया है और हम दोनों लोगों ने इनका टीका किया है, केक कटवाया है। बहुत अच्छा लगा है, सब लोग एक साथ मिल करके दोनों फंक्शन इंजॉय किए हैं और बहुत अच्छा लगा है। छोटी सी पार्टी थी इससे मन खुश हो गया है। तो अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, अभी केक कट रहा है, बस इनका केक कट जाए और सब लोगों को ये केक वेक खिला देंगे, उसके बाद ही खाना स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12:30 बजे तक ये पार्टी चलनी है, तो 12 तो बज चुके हैं और अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, लेकिन मैंने बच्चों को खिला दिया था। तो अभी हम बच्चों का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। बस तो केक वेक कट चुका है और अब हमने खाना स्टार्ट करवा दिया है, क्योंकि इन सभी लोगों को अभी जाना भी है। तो जो लोग ऊपर हैं वो ऊपर कमरे में खाना खा रहे हैं, और जो लोग नीचे हैं, नीचे बच्चे हैं, तो बच्चे नीचे ही खा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आयुष्मान के जितने भी दोस्त थे ये सारे एक साथ बैठे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पसंद रहता है, इनको ज़्यादा शौक भी रहता है दावत का, तो ये बड़े ही शौक से खाते हैं और सबसे पहले ही ये खाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू।